हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी को लेकर के जिसका इस दुनिया में कोई अस्थाई इलाज नहीं है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अस्थमा, खांसी, एलर्जी जैसे रोगों को जड़ से ख़त्म करने का। आज हम आपको एक देसी और नेचुरल तरीके से आयुर्वेद से ठीक करने का रामबाण दवा बताएंगे। दोस्तों, इसको प्रयोग करने से शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं, फेफड़े में जमे हुए कफ को शरीर से बहुत जल्दी बाहर निकाल देता है। दोस्तों, यह दवा या पौधा अस्थमा के मरीजों के लिए किसी ईश्वरीय शक्ति से कम नहीं है। यह औषधि आपको हर जगह तो नहीं मिलेगी, लेकिन यदि आप किसी जंगल क्षेत्र में रहते हैं तो आपको यह आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, इसको बेकार समझा जाता है, लेकिन आज हम इसके गुणों के विषय में आपको बताएंगे यह आपके शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद औषधि है। दोस्तों, इसको आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो इसको देख लीजिए और पहचान लीजिए। यह है बेता के पेड़, जिसे बेता प्लांट कहा जाता है। जंगल में यह बहुत अधिक पाया जाता है। दोस्तों, यह बहुत ही कटीला होता है, इसमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, इसका प्रयोग आपको इस बीमारी में सिर्फ इसके पत्तों का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इसमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं। ये सदाबहार वृक्ष है, इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में क्लोरोफिल और बहुत ही एंटी ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। दोस्तों, अस्थमा के मरीजों के लिए यह बहुत ही रामबाण औषधि मानी जाती है। इसको आपको इसकी पत्तियां लेनी है। प्रयोग करने की विधि यह है, आप पत्तियां लेकर के इसका रस निकाल लेंगे। रस निकालने के बाद आपको सुबह खाली पेट इसके रस को सेवन करने से अस्थमा, किसी भी प्रकार की पुरानी से पुरानी अस्थमा, खांसी, एलर्जी पूरी तरह से जड़ से ठीक हो जाती है। इसको ज़्यादा दिन प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, मात्र कुछ दिनों तक प्रयोग करना है। इसकी एक एक बूंद में वो शक्ति होती है जो किसी भी पुराने से पुराने निराश मरीजों के लिए या किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, इसका प्रयोग करके इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।